तेरे को पता है मोदी जी 8 बजे फिर लाइव आ रहे हैं। मोदी जी आज अगर आप 8 बजे लाइव आए तो मैं चाहता हूँ एक आप बात जरूर बोले मित्रों बीवियों को बोलेंगे बीवियों को मित्रों की बीवियों को और मित्रों की बीवियों स्पेशली बीवियों से अनुरोध है कि आज शाम 8 बजे के बाद अपने अपने पतियों का सामान यूज करना बंद कर दे। कृपया आपको अगर जरूरत है तो मैं 1 घंटा दुकान एक्स्ट्रा खुलवाऊंगा अपना खुद लेके आए। एक वो क्या यूज कर लिया बन रही है भिंडी तो गाइस सॉरी आपको ऐसे व्लॉग मिलेंगे जो कि बाहर तो हम जा नहीं सकते अंडे खाओ भिंडी व्लॉग तो डर है जरूर पक्का कोई ना कोई बाथरूम का व्लॉग डाल देगा। हे गाइस आई एम गोइंग पॉटी नाउ बिकॉज़ घर पे यही कर सकते हैं लेकिन घर पे हाथ बटाएं काम पे तो जैसे अपनी ड्यूटी बांधने जैसे मैंने मुझे बर्तन मांजना अच्छा लगता है झाड़ू करना मेरे बस की नहीं है अभी तक तो लेकिन आपने कोई बर्तन नहीं मांजा झूठ तो अभी सुबह से हुआ ही नहीं बर्तन क्या जो होंगे तभी मैं करूंगा ना मतलब अपने नंबर हर जगह बनाने में पहले हो फिर बोला है कि मैं बर्तन मांज सकता हूँ नहीं तो मैं कर दूंगा मैं कर दूंगा मैंने बर्तन धोए। व्लॉग में आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ बेटा देख लिया करो कैमरा कैसे पकड़ रहे हो ऐसे हवा पकड़ते हो। इस व्लॉग में एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ मैं 22 तारीख को जब भारत कर्फ्यू लगा हुआ था जनता कर्फ्यू लगा हुआ था मैं कर रहा था फ्लाइट जयपुर जैसे ही मैं लैंड हुआ अंदर सारा स्टाफ आया सर बंद होगा बंद होगा सर बंद होगा। उस समय सीएम का मैसेज आया था कि भाई कल से ऑपरेशंस बंद है। जब वापस दिल्ली आए तो हमको लगा रितु आज रात को ही निकलते कानपुर क्योंकि अगर बंद हो रहा है सब कुछ और लॉकडाउन हो रहा है दिल्ली कल सुबह 6 बजे से बॉर्डर बंद हो रहा है तो हम लोग यहाँ फंस जाएंगे बच्चे हमारी कानपुर में फैमिली हमारी कानपुर में हम क्या करें भाई हम तो यहाँ पे सिर्फ अपनी जॉब के लिए बैठे वैसे ही बता रहा हूँ क्योंकि हमें फ्लाई करना है जरूरत है तो हम यहाँ बैठे तो हम भी कानपुर चले आते बच्चे के साथ। हम लोग वापस आए जैसे मैं दिल्ली लैंड करा कन्फ्यूजन सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है नहीं होगा स्टेट गवर्नमेंट कह रही है होगा कन्फ्यूजन बट हमें समझ भी नहीं आया क्या करें तो मैंने कहा एक काम करते हैं गाड़ी लेके निकलते हैं। तो भाई हम पूरे जोश में गाड़ी लेके निकल गए हम लोग ऑलमोस्ट रिंग रोड हमने क्रॉस कर ली थी पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसे कुछ आया मैंने एकदम से गाड़ी रोकी तो मुझे लगा यार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए एक तरफ बहुत ऐसा फीलिंग आ रही थी कि फैमिली के पास जाए क्योंकि अब पता नहीं था कि भाई आप पर 1 महीना लॉकडाउन हो गया 1 महीना बैठे हैं आप किसी को क्लैरिटी नहीं है तो मैंने गाड़ी रोकी क्या करें अब एकदम से रात के 12 बजे हुए थे 11:15 हम लोग यहाँ घर से निकले थे और सुबह 6 बजे बॉर्डर सील हो रहे थे। अभी हम लोग वापस घर की ओर जा रहे हैं तो गाइस हम लोग घर से निकले थे 11 बजे 12:40 हो रहा है पूरे दिल्ली का चक्कर करके वापस आ रहे हैं। हमारा प्लान था कि हम यहाँ से आज दिल्ली से निकल जाएंगे कानपुर क्योंकि सीएम के ऑर्डर आ गए दिल्ली के बॉर्डर क्लोज हो रहे हैं तो एक इम्पल्सिव डिसीजन था एज अ पेरेंट कि अब पता नहीं क्लोज हो जाए दिल्ली में लॉकडाउन हो जाए हम बाहर ना निकल पाए बच्चे से ना मिल पाए 1 महीना 2 महीना क्या रहेगा इटली में जो हो रहा है यूएस में जो हो रहा है वो आसार है कि यहाँ पे भी वो होगा बट फिर एकदम से गाड़ी रोक के मैंने रितु को बोला कि यार अगर हम लोग जा रहे हैं हम लोग का जॉब ऐसा है कि अच्छा जॉब है बट आज की डेट में ऐसा है कि यार वी हैव टू ऑपरेट क्योंकि बहुत लोग ऐसे मजबूरी में होते हैं जिनको ट्रैवल करना होता है अगर सारे डॉक्टर नर्सेज पुलिस वाले उनको अपने बच्चों की याद आने लगे सबकी फैमिली की याद आने लगे वो बोलेंगे कि हम काम नहीं करेंगे तो फिर देश चलना बंद हो जाएगा। बहुत सोचने के बाद फिर हम लोग काम में वापस जाना चाहिए ये सही डिसीजन नहीं है तो इसीलिए हम अभी वापस घर जा रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार प्लीज़ जो भी घर पे रह सकता है घर पे रहो क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं हम घूम रहे हैं क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि हम लोग घर नहीं जा पा रहे और हमें इस समय आपको बता नहीं सकता कि कैसा फील हो रहा है इस समय। तो हम लोग घर पहुंच चुके हैं हम लोग एक्चुअली बहुत प्रिकॉशंस लेके गए थे तो रितु राठी जी ने कहा था कि इस समय सेफ नहीं होगा जाना तो हम लोग अपने साथ कुछ घर के चक्कू जिनके धार बिल्कुल वो हो चुकी है घिस चुकी है कि अगर घुस भी जाए तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे इससे घर में टमाटर नहीं कटता डंडा भी लेके बता दे सबको था कि अगली बार साल हमें रोके तो क्या पहले तुम अपना डंडा निकालो तो ये हमारा पूरा सामान और यही लेके वापस आ गए 1 घंटा दिल्ली की सड़कों में दौड़े और वापस आ गए कटा हुआ तरबूज भी लेके और बहुत सामान था जैसे ब्रेड पपीता जो हम पड़ोसियों को देख गए थे वो भी हम उनसे वापस मांगेंगे सामान सारा हम बहुत चौड़ में सामान हमें यूज होगा नहीं हम जा रहे हैं कानपुर। ऑल्सो गाइस मैंने सोचा था कि जब हम त्रिपुरा गए थे हमने रसभरी चाय का एपिसोड किया था हमारा रसभरी चाय एपिसोड करने का नेक्स्ट प्लान 2-3 जगहों पे था ऑलमोस्ट हो भी चुका था वो क्या जगह थी मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा बट फिलहाल के लिए क्या करते जब बट हम लोगों ने इतना सारा भर भर के प्यार दिया इतने गिफ्ट्स दिए तो मुझे लगा कि वो गिफ्ट्स अनबॉक्सिंग करते हैं घर में कुछ काम तो है नहीं हमें।
इससे क्वेश्चन नहीं लगता है, गलती से गैस के पास चले। चलो जल्दी करते हैं, सो गाइस गिफ्ट अनबॉक्सिंग चालू करते हैं। स्पेशल गिफ्ट, थैंक यू सो मच, इसमें नाम नहीं लिखा। हेलो असिस्टेंट साइड में रखा, असिस्टेंट मैनेजर, ओके सॉरी बुरा मान जाती है। सुमित दत्ता, थैंक यू सुमित, राजेश देवनाथ एंड जुविल पोमेग्रेनेट, थैंक यू सो मच गाइस। स्टेज पे रहना तो फिर पीछे दो चार असिस्टेंट जो उनके फ्लावर लेके रखते हैं। तुम भाई हो, ओ दे हैव गिवन अस अ पार्कर बीटा, थैंक यू राजन सिंगदा, मैं यूज करूंगा लेटर। दिस इज गिवन बाय, नेम इज नॉट हियर, शायद अंदर होगा। भाई साहब ये तो हमें ना बहुत पसंद आई थी, रशी का भी दिया हमने। Cheers. Full card from Indigo staff in Agartala. They have posted a picture. Thank you so much. This is also from Indigo staff. एक हमें जाते भी था, एक हमें आते भी था। Thank you so much. मतलब कितने cute तरीके से उन्होंने पहले कार्ड टेच चिपकाए। Assistant तुम्हारा काम वीडियो बनाना नहीं है, तुम्हें जो मैं सामान बता रहा हूँ तो वहाँ रखो। Hey, welcome to Tripura. This is by जिसकी भी handwriting है। This is by Gobind Saha from Agartala. वैसे Gobind तो अपना भाई Gobind था। इन्होंने हमारी वैसे भी बहुत हेल्प की थी यार। ये जो होते ना कर्मचारी जो अपना टास्क इनको अलॉटेड होता है वो नहीं करते। अब मैं बैठूंगा तुम खड़ी रहोगी। टास्क तुम्हें दिया गया भाई वही करो। लेकिन आप तो बड़े वैसे ऑफिसर हो, कर्मचारी को गद्दी में बिठाते हो। क्वारंटाइन चल रहा है, कंफर्टेबल। दिस इज सेंड बाय अर्जुन, मैंने इतना ही लगाया था। थैंक यू अर्जुन, फ्रेम कराना पड़ेगा, हम करा लेंगे। लेकिन रितु का किसी ने नहीं दिया, मैं बहुत खुश हूँ। सो गाइस एज यू ऑल नो हम लोग घर पे क्यों बैठे, एपिडेमिक फैला हुआ, तो भी फ्रेम में आ जाना। हाथ धोएं, अपने आप को साफ रखें क्योंकि आप अनजाने में बहुत ज्यादा टच करते हैं। दूसरी चीज जो बहुत लोग इग्नोर कर रहे हैं, जिसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे, हमारे जो डिजिटल गैजेट्स हैं वो भी इसमें भी जर्म्स बहुत इफेक्ट कर सकते हैं। इसमें रहते हैं, घर पे तो साफ है, जब मैं बाहर जाता हूँ पता नहीं चलता। सो टीम एयरटेल गॉट इन टच विद मी टू मेक दिस अवेयरनेस कैंपेन अबाउट कि अपने फोन्स को भी कितना जरूरी है साफ रखना। डिसइनफेक्टेंट है जिसमें 70% अल्कोहल है, वी आर यूजिंग टेक अ क्लॉथ जो कि चश्मा साफ करने वाला क्लॉथ होता है, साफ के ऊपर से आपने करा स्प्रे अपने फोन्स को। डायरेक्टली इसको फोन्स के ऊपर स्प्रे मत करें, ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि इसमें मॉइस्चर कंटेंट भी रहता है। पहले कपड़े भी स्प्रे करें और फिर अपने फोन को क्लीन करें उससे। जो बात मैंने बोली तूने बोली उसमें डिफरेंस क्या है? जस्ट बिकॉज यू आर सिटिंग हियर यू हैव टू से समथिंग, यू आर ट्राइंग टू प्रूव दैट। नो नहीं, यू आर ट्राइंग टू प्रूव दैट इफ यू आर ड्रॉइंग सम सैलरी देन यू आर डूइंग सम वर्क। Otherwise, I don't think any point of you saying this again. But मुझे लगता है मैंने अपना पॉइंट अच्छे से समझाया, आपने नहीं। लोगों से पूछ लो, मैंने अच्छे से समझाया इन्होंने। आज तो कमेंट करके बता दो कि भाई किसने अच्छे से समझाया। मुझे क्या लगता है, लेकिन असली बता रहा हूँ। आपने तो जल्दी जल्दी ऐसे बोल देते, पापा भी कहते हैं इतना जल्दी जल्दी बोलता। आई वांट टू थैंक माय डिजिटल पार्टनर व्हिच इज एयरटेल भाई। आज की डेट में अगर कुछ अपनी जान बचाएगा तो वह एक गुड इंटरनेट। सो थैंक यू एयरटेल फॉर लॉन्चिंग सर्विसेज लाइक वाईफाई कॉलिंग, डिजिटल ब्रॉडबैंड और बहुत सारे इनके एप्स भी है। सो आई एम डूइंग माई बिट, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, स्टे इंडोर्स, अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग रखें। आई थिंक वी शुड स्टार्ट मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग। मुझे भी इवन आई थिंक। सो लेट्स कंटिन्यू आवर अनबॉक्सिंग। नेक्स्ट गणपति बाबा मौर्या, थैंक यू अर्जुन फॉर दिस। पर देखने रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं। हेलो, बड़ा तुम्हारी सैलरी कट। ये किस चीज से बना है? हैंडमेड है ये ना। थैंक यू फॉर दिस, नाम नहीं लिखा आपने जिसने भी भेजा। ए मैनेजर, तू ये डिसाइड करके कौन सा खुलेगा फिर खोलूंगा मैं। अनिर्बान दास एंड अभिजीत दास, थैंक यू फॉर दिस कप। किसी ने हमें लेदर की बॉल भी दी थी जिसमें की एक वॉच बनी हुई है। ये रे पकड़ कैच कर। फ्रॉम सोमराज एंड फैमिली गोट ऑफ YouTube, थैंक यू सो मच भाई, आपने मुझे बकरी बुलाया। थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग यंगस्टर्स लाइक अस। ओह थैंक यू सो मच, इतनी प्यारी सी। ओह देख इतनी बिल्कुल सिमिलर कैसे बना देते हैं, टैलेंट होता है तेरे में नहीं है। थैंक यू सम्राज चक्रवर्ती, बैठ जा, मैं बैठो कुर्सी खाली है। आप ही बैठो क्योंकि मेरे को बार बार उठना पड़ेगा ना रखने के लिए। मैनेजर हो तो मैनेजर वाले काम करो ना, बॉस क्यों बनना चाहती हो? वैसे असली मैनेजर कहता सर आप, मैं खोल देती हूँ, मैं आपकी हेल्प करती हूँ, आप कर। अरे चाकू 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 लाओ, आपने मेरे को बोला जैसे वो मेक जोक ऑफ का एक वीडियो था जिसमें वो कोर्ट केस होता है, जज कहता है पेन लाओ बे, अब उठ के ले लो। त्रिपुरा 2020, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग दिस। ये गिफ्ट ऑलरेडी खुला हुआ था, ये रशी बहुत पसंद आएगा, थैंक यू सो मच। This is sent by Raj and Snigdha pen. आप लोग जितने पेन दे रहे हो, मैं पेन वैसे यूज करती हूँ। इतनी पढ़ाकू है नहीं है। उन्होंने दो दिए सर, उन्होंने दिए राज एंड स्निग्धा का एक चॉकलेट बॉक्स, थैंक यू सो मच भाई। एंड ऑल्सो फैन कहाँ है? सोमनाथ, थैंक यू सोमनाथ फॉर लिटिल प्रिंसेस फैन का, तो उन्होंने रस्सी के लिए फैन भेजा। रस्सी को खेलने की मजा आएगा।
तुम सुनो, तुम फैन करो, मैं खोलता हूँ। फ्लाइंग बीस्ट फैन कहाँ है? फैन बोरो, थैंक यू सो मच, बाय। अब ये क्या है, ये किसका गिफ्ट है? फार्मेसी लग रहा है क्या? सैनिटाइजर है क्या? हाँ, ये मुझे याद आया। ओह, अभी कर रहे थे तो बहुत लोग ऐसे जो मीटअप में आए थे, बहुत लोग फिर बाहर गए ठेले से अंगूर अंगूर लेके आए रजबरी, क्योंकि रजबरी को अंगूर बहुत पसंद है। थैंक यू फॉर गिविंग दिस लवली डिप, दे दो दे दो दे दो। बैम्बू वॉक क्या हो जाएगा, लैंप ही है बेटा, बहुत अच्छी चीज लगता है। थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग दिस, सुपर ब्यूटीफुल। सच में यार, आप लोगों का प्यार देख के तो। थैंक यू सो मच, नाम इसमें नहीं लिखा था, तो जैसे ये ऐसे भी नाम नहीं लिखा दे भाई। ये बहुत ही गलत गिफ्ट है, जब आप क्वारंटीन हैं और जब जिम्स बंद हैं, आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे, उस समय अगर आप ऐसी चॉकलेट्स देंगे ना, जब तक जिम नहीं खुलेंगे चॉकलेट नहीं खुलेगी। गौरव दास, गौरव डे एंड विशाल मित्रा, भाई मेरे से होम वर्कआउट नहीं होते, मेरे से हाथ जुड़वा लो, जिम जब खुलेंगे मैं तभी वर्कआउट करूंगा। तुम जिम में जाए जाओ, क्यों लाओ दे, चलो भाई। अपा आगा पंजाबी लोग, अपा अगर पार्टी करते ना तो फुल पटियाला बैग साढ़े कोला ब्रीजर व्रीजर तक ये स्यापा नहीं होता। ओ भाई साहब, ये तो फंगस ही लग गया। ओ भैया, नहीं मैं सोच रहा हूँ कौन सा फल है ये, बेटा इसमें पेड़ निकला अंदर यार। क्या था? अनार थे पागल, बेर थे, बेर। ए, मोटे के, यू, भाई मैं चॉकलेट खा रहा हूँ साथ में बैठ के। मोटे मोटे, बाय बाय दोस्तों। ओ ओ मोटे साहब, तब तू गंदा कर देगा। ओ करते मतलब इसके अंदर क्या घुसने की जरूरत है? Somebody gave us beautiful cookies यार, guys. ओ भाई कितनी टेस्टी कुकीज थी यार ये, खोल खोल मोटे साइड से निकाल लेता, रुक जा रुक जा, ये साइड साइड से। पागल तूने ये डिब्बा मिक्स कर दिया, मिक्स नहीं किया, ये साइड में गिरी हुई है, रुक जा। दिस इज फॉर अर्पिता चक्रवर्ती, हां यार खुद बनाई थी उन्होंने यार, निकालो जल्दी, खोल लिया करो ना। अच्छी मोटे यार, प्लीज अगर हम दोबारा अगर तलाए तो क्या आप हमें एक पैकेट और दे सकती हैं? नाउ वी कम टू फाइनल गिफ्ट्स, थैंक यू सो मच, दिस इज सच अ लवली। देने मार, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। सर दोबारा फिर आना, नाम नहीं लिखा, नाम नहीं लिखा, सर दोबारा फिर आना, यही नाम उसका, सर दोबारा फिर आना। थैंक यू सर दोबारा, ये मुझे याद है जब हम लोग स्टेज पे तो साइड में बंदा से लेके बैठते थे, आईपीएल मैचेस में नहीं लोग चीयर करने लगते हैं। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस फॉर अस, ये हम लोग जब कनाडा गए थे। संदीप देव, थैंक यू सो मच फ्रॉम स्नेहा एंड श्रीजा, फ्लाइंग बीस्ट, श्रीजन एंड श्रीष्टि, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दिस इज अ ट्रेडिशनल त्रिपुरा बैग, हम लोग कहाँ पे आए हैं, टिपुआ। दिस लेटर इज सेंड बाय, थैंक यू अग्निवेश फॉर सेंडिंग दिस लेटर, थैंक यू सो मच ज्योति फॉर सेंडिंग दिस लवली लेटर। नाउ कमिंग एक्चुअली टुवर्ड्स द एंड, दिस इज वन ऑफ द लास्ट गिफ्ट, दिस इज सेंड बाय देवंजना गोस्वामी इटली, थैंक यू फॉर दिस, फॉर दिस माता का दिए। तो एवरीथिंग इज मेड फ्रॉम बैम्बू, भगवान की चटाई दी है, वास है बूम बूम। ओह मेरे गणेश जी, इसमें देख कितना सुंदर है, दिस इज अ ज्वेलरी बॉक्स, अ पर्स, सच अ ब्यूटीफुल पर्स, सो दिस इज अगेन अ लेडीज पर्स। सो गाइस अगर आप अगरतला जाते हैं या फिर आपको ऑनलाइन भी मिलता है, हाईली रिकमेंड यू बाय द बैम्बू स्टफ, धरती फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है। लोगों ने रियलाइज कर लिया कोरोना के चलते कि भाई कितना जरूरी है धरती का ख्याल रखना। सो हमने सारे अनबॉक्स कर लिए हैं, एक बचा है, इसमें था अनार एंड पोमेग्रेनेट जो कि हम नहीं कर सकते, ये सब कूड़ा साफ हो जाना चाहिए मैनेजर। ओके ऑलराइट गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस व्लॉग, अभी हम लोग जा रहे हैं सोने क्योंकि नींद बहुत आ रही है और बहुत पता नहीं कैसे अनबॉक्सिंग करती, पता है। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार और सुरक्षित रहें जहाँ पे भी हैं, घर पे रहें, थोड़े दिनों की बात है, और अपना ख्याल रखें। सबको पता है ये बात, बार बार कह के पकाओ ना, सबको पता है, सबको पता है, फिर लोग बाहर क्यों निकल रहे हैं डंडे खाने।